जहां पानीपत समीक्षा में आया सामने शहरी और ग्रामीण सीट पर कमजोर पड़े स्थानीय कांग्रेस नेता बाकी नेता कर रहे हैं मांग हार की जिम्मेदारी ये नेता ले। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जहां जो हार की जिम्मेदारी है वो लेने की बात कही जा रही है, क्योंकि अगर बात यहां पर की जाए तो कांग्रेस को हरियाणा में 5 सीटें मिले और 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है और इसी तरह से बीजेपी को भी इस बार 5 सीटें मिले और 5 का नुकसान झेलना पड़ा था, क्योंकि पिछली बार बीजेपी के खाते में 200 सीटें थी। लेकिन अब पानीपत में समीक्षा में ये सामने आया जहां शहरी और ग्रामीण सीट पर कमजोर पड़े हैं स्थानीय कांग्रेस नेता और बाकी नेता ये कह रहे हैं कि उनकी ये मांग है कि हार की जिम्मेदारी ये नेता ले। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथूरिया जुड़े हुए हैं और सदर जानकारी लेंगे। देवेंद्र, जिस तरह से देखें कि अब लगातार यहां पर मंथन किया जा रहा है, नतीजे आने के बाद इस चीज को देखा जा रहा है कि किन किन सीटों पर हार मिली और इसकी अहम वजह क्या कुछ रही, इस पर समीक्षा बैठकें भी हो रही है। और एक यहां पर अगर बात की जाए तो पानीपत में समीक्षा में ये सामने आया कि जो शहरी और ग्रामीण सीट है उस पर जो कांग्रेस नेता थे वो कमजोर पड़े थे, जिस वजह से सीट हाथ से निकली। देखिए जया, अब धीरे धीरे जब विश्लेषण हो रहा है, मीटिंगें हो रही है, समीक्षा हो रही है, तो अंदर की चीजें बाहर आ रही है। दरअसल करनाल लोकसभा से मनोहर लाल बीजेपी के प्रत्याशी थे, अभी दीपक बाबरिया जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी है उनका एक मीडिया इंटरव्यू आया है, उन्होंने माना कि करनाल लोकसभा सीट पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल 25 या 30 हजार से ही जीत सकते थे जिस तरह के हालात थे, लेकिन 2,32,000 की जीत से साबित होता है कि कांग्रेस के नेताओं ने शायद पूरे मन से काम नहीं किया। पानीपत शहरी सीट की बात करें या पानीपत ग्रामीण, पानीपत शहरी सीट पर 62,000 की लीड मिली है बीजेपी को, जबकि कांग्रेस कमजोर पड़ी, कई जगह तो बस्ते ही नहीं उठाने वाले थे कांग्रेस के पानीपत शहरी सीट पर। ग्रामीण सीट की जहां बात है वहां 45,000 की लीड बीजेपी को मिली है, जिस वजह से ये अंतर जीत हार जिसका 2,32,000 हो गया। तो जो स्थानीय कांग्रेस नेता थे जिनको जिम्मेदारी दी गई थी पानीपत शहरी में और पानीपत ग्रामीण, वो बेहद कमजोर नजर आया, पार्टी भी ये चीज महसूस करी है, प्रदेश प्रभारी भी कह चुके हैं। तो चूंकि अब विधानसभा चुनाव है तो पार्टी चाहती है कि जो दूसरे नेता हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई थी उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, और जो बाकी नेता है वो ये चाहते हैं कि पार्टी मजबूत होकर अब विधानसभा चुनाव लड़े, क्योंकि पार्टी के लिए बहुत अच्छा अवसर है, कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है लोगों का और कांग्रेस बीजेपी के आमने सामने का मुकाबला रहेगा, तो पार्टी अपनी कमजोरियों को दूर करे। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।